हैं करीब से आप लोग भी तक हैं। बट हम लोग अपना एमसीक्यूज कर रहे थे, हमारे जो है वो 15 MCQs कंप्लीट हो गए थे। आज हम जो है वो इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया था अपने पास, अब इसके आगे काम करते हैं। ये हमारे 15 MCQs हो गए थे, ठीक है ना। 16 पे आते हैं, तो 16 पे देखें क्या मौजूद है हमारे पास। कहते हैं यूजली मेजरमेंट गिव राइज टू डैश डेटा। अब डेटा कौन सा होगा? मेजरमेंट डेटा था, मेजरेबल डेटा। ऐसा डेटा जो क्या हो, मेजरेबल हो। तो ऐसा डेटा जो क्या हो, मेजरेबल हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कंटिन्यूस डेटा कहलाता है, ठीक है ना। अब वो मेजरेबल डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी हाइट आती है, आपका वेट आता है, आपकी बहुत सारी चीजें जो आपके मेजरमेंट के अंदर आती है, वो आपका क्या, वो आपका कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। फिर कहते हैं इफ द राइट टेल ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन, यानी टेल की बात हो रही है, राइट टेल की बात हो रही है, और राइट टेल जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉन्गर है किसके, लेफ्ट से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, राइट टेल है, और ये इसकी लेफ्ट टेल है, ठीक है। तो लेफ्ट तो कुछ भी नहीं है, राइट टेल ज्यादा है इसके। तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव स्क्यूड होगा, ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड आ गया, ठीक है ना। कहते हैं द रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जो है वो क्या होता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना दिया हुआ है आपको, 0.3 दिया हुआ है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये जो ए डैश है वो क्या है, ये आपका नेगेटिव इवेंट है, ये क्या है, आपका नेगेटिव इवेंट है। तो नेगेटिव इवेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - PA, क्या होता है, 1 - PA होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है किसका, नेगेटिव इवेंट का। तो PA की वैल्यू कितनी दी जा रही है आपको, 0.3 दी जा रही है। तो उसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे 0.3 1 में से माइनस करके, तो आंसर आएगा 0.7, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपसे बस। ये हमने कहा अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की होती है, कौन सा है जो कंटिन्यूस ग्राफ शो करता है, वो जाए कंटिन्यूस डेटा को शो नहीं करता, पॉलीगॉन डेटा फ्रीक्वेंस अपना कंटिन्यूस डेटा को शो नहीं करता। हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट, ठीक है ना। बार डायग्राम भी आपका कंटिन्यूस नहीं होता, बार डायग्राम आपका क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इन्वेंट्री ऑफ कार, इन्वेंट्री ऑफ कार, कार जो है होती है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है, कार जो होती है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। ऑप्शन में देखो ऑप्शन क्या क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव हो सकता है क्योंकि काउंटेबल है, नंबर में शो हो सकता है, क्वालिटेटिव में तो नहीं आएगा, इन्वेंट्री क्वालिटेटिव में नहीं आएगी, ठीक है ना, काउंटेबल थिंग्स हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इसका फर्स्ट ऑप्शन था क्वालिटेटिव, ठीक है ना, तो क्वालिटेटिव इसका डेटा नहीं होगा, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव के अंदर दो चीजें आती है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो काउंटेबल होता है, और कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो मेजरेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल क्यों आएगा, क्योंकि हमारा डेटा क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। जो इन्वेंट्री ऑफ कार होती है, कार आपका क्या होता है, इन्वेंट्री है, ठीक है ना, और ये काउंटेबल है, इसलिए आपका क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। अगर कोई इन्वेंट्री ऐसी होती जो मेजरेबल होती, जैसे गोश हो गया, ठीक है, गोश आपने वजन करके रख लिया, आपने गोदाम में रख लिया, तो वो क्या, वो मेजरेबल है, तो वो किस में आता है, वो फिर आपका कंटिन्यूस में आता है, ठीक। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका 10th हो गया, 20th हो गया। तो ये 21 तो सेम ही होगा ना, बड़ा सा रिपीट हो गई आपके पास। 12 में देखते हैं, 12 में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। 12 में लिखा हुआ है इफ द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, बेस टाइम पीरियड आर टेकन एज वेट, क्वांटिटी तो हमारी क्या होती है, वेट ही होती है, ठीक है ना, लेकिन बात किसकी हो रही है, हमारी बेस टाइम पीरियड की। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, लेस प्रपासे फिशर होता है, ठीक है ना। कहता है कि बेस टाइम पीरियड जो होता है वो आपका बेस ईयर होता है। अब बेस पे जो वर्किंग होती है वो किस पे होती है, बेस ईयर, बेस इंडेक्स नंबर, बेस
मेथड बेस, यर मेथड बेस, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, ये सारी चीजें कौन शो करता है? वो आपका लेस पेयर्स करता है। बेस एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर हो जाए आपका, ठीक है ना, या फिर करंट एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होगा तो क्या होगा? पास की होगा। अगर वो करंट ईयर की बात करे तो वो क्या होगा? पास की होगा। अगर वो बेस ईयर की बात करे तो क्या होगा? लेस पेयर्स होगा, ठीक है ना। और अगर इनकी रेंज की बात कर रहा है आपकी, तो लेस पेयर्स और पास की जो रेंज है वो शो कौन करता है? फिशर इंडेक्स नंबर करता है, ठीक है। तो रेंज के लिए फिशर आएगा, बेस के लिए लेस पेयर आएगा, और करंट के लिए क्या आएगा? पास की आएगा, ठीक है। 13 पे आते हैं, कहता है कि एक एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है? 550 है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट लग गया कितने परसेंट का? 10% का इंक्रीमेंट लग गया। तो मुझे बताओ क्या आपकी जो न्यू सैलरी जो होगी तो वो आपकी जस्ट इंक्रीमेंट होगी? यानी आपकी 5,000 रुपये सैलरी है, मिसाल तौर पर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, तो आपका 10% आपका इंक्रीमेंट लग गया, 5,000 रुपये आपका इंक्रीमेंट लग गया, तो न्यू सैलरी क्या बनी? 55,000 होगी या 5,000 होगी? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू सैलरी होती है वो क्या होगी? 55,000 होगी। इसी तरह से यहाँ भी यही बोल रहा है कि 550 जो है वो इसकी एवरेज सैलरी आपकी, ये 550 है, 10% का इंक्रीमेंट लग गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू सैलरी जो बनी वो क्या होगी वो बताइए, ठीक है ना। तो हमने कहा 550 का 10% निकालते हैं, 550 का 10% निकालते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके नजर आ जाए सब चीजें। तो 550 का 10%, तो 550 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, कितना आ गया? 55। ये क्या लगा? ये तो इंक्रीमेंट लगा है 55 रुपीज का। इसके अंदर आप किसको ऐड कर दोगे? 550 को, जो इसकी इसकी अपनी पुरानी अमाउंट है। तो आंसर कितना आ गया? 605 आ गया। तो इट्स मीन 605 इज द राइट आंसर। अमूमन बच्चे क्या करते हैं? 55 को कर देते हैं, ठीक है ना। तो 55 इसमें ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है, इसीलिए है कि ताकि आप गलती करें। उस गलती से बचने के लिए आपको मैंने पूरा बता दिया इसकी पूरी हिंट, ठीक है। कहते हैं एन इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन वन कमोडिटी। तो बेस वन, मोर देन वन कमोडिटी क्या है भाई? एक से ज्यादा कमोडिटी आ जाए वो किसमें होता है? कंपोजिट इंडेक्स नंबर में होता है। प्राइस इंडेक्स में, प्राइस रिलेटिव में सिंगल कमोडिटी भी होता है, सिंपल इंडेक्स में सिंगल कमोडिटी होता है, लिंक रिलेटिव के अंदर आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपसे कह रहा है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर, तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ फाइनल एमसीक्यूज, 25th एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ NC0, NC0 इज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? NCR। ये सिंप्लीफाई होगा इससे, तो N शो करता है टोटल ऑब्जर्वेशन को, आर शो करता है सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन को, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है भाई? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एंड देन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला।